नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट व्हीट फ्लोर, यानी गेहूं का आटा आप एक्सपोर्ट करेंगे तो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है। देखिए, मैं गेहूं के आटे की बात कर रहा हूँ, व्हीट यानी गेहूं की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लेके चल रहे हैं गेहूं के आटे की बात। तो उसमें HS कोड क्या आता है, मार्केट साइज क्या है, ग्रोथ क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है, उसमें डिफरेंट वैरायटीज क्या हैं, या फिर टॉप इंपोर्टर्स कहां पर मिलेंगे आपको, या फिर डिमांड कहां पर है, टॉप एक्सपोर्टर्स कौन है, EPC क्या है, या गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्या है, ये सब क्वेश्चंस का मैं आंसर लेके आया। छोटे से वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहला मेरा पॉइंट है एप्लीकेशन, यानी जो व्हीट फ्लोर है उसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है। तो नॉर्मली आप सब जानते हैं, हम लोग रोटी बना के खाते हैं गेहूं के आटे की, तो रोटी उससे बनती है, जिसको चपाती भी बोला जाता है। नूडल्स बनती है, जो जैसे पहले मैदे की नूडल्स आती थी, अभी जैसे आपने देखा पंतजलि का, रामदेव बाबा का आता है, पंतजलि का भी आटे का नूडल आता है, यानी आटा नूडल भी इसका बनता है। और अगर ब्रेड की बात करें तो ब्रेड में भी इसका एप्लीकेशन है। अगर रोल की बात करें तो रोल में भी आटे का यूज होता है, यानी गेहूं के आटे का यूज होता है, जिसको व्हीट फ्लोर बोलते हैं, और वो एक्सपोर्ट भी होता है। और बिस्किट अगर बात करें तो बिस्किट में भी गेहूं के आटे की मतलब डिमांड रहती है, और वहां भी इसका एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, अगर मैं बियर और वोडका की बात करूं तो ये ड्रिंक बनाने में, बियर बनाने में भी इसकी एप्लीकेशन है और इसका यूज होता है। अगर वोडका की बात करें तो वोडका में भी इसका यूज होता है। अगर केक की बात करें, जैसे बर्थडे केक हो गया, या फिर मैरिज एनिवर्सरी में केक यूज होता है, या फिर डिफरेंट फंक्शंस में केक यूज होता है, तो केक बनाने में भी व्हीट फ्लोर का आपका यूज होता है। फ्रेंड्स, अगर पास्ता की बात करें तो पास्ता में भी व्हीट फ्लोर का यूज होता है, इसकी एप्लीकेशन। अगर पिज्जा की बात करें तो पिज्जा में भी इसकी एप्लीकेशन आती है। फ्रेंड्स, तो ये सब एप्लीकेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं HS कोड। देखिए, 11 नंबर चैप्टर में आता है, तो इसका इजीली आपको HS कोड गूगल पे भी मिल जाएगा, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो दैट इज 1101000, तो 8 डिजिट का ये HS कोड है, आप इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मार्केट साइज की बात करें, मार्केट साइज कितना है, तो वर्ल्ड वाइड इसमें ट्रेड हो रहा है $4.5 बिलियन, यानी 2019 का डाटा उठा के मैं आपको आपके साथ बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, 4.5 बिलियन बॉम्बे बिलियन $ का ट्रेड हुआ है वर्ल्ड वाइड। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का कितना ट्रेड हुआ है, इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हुआ है 2019 में, दैट इज अराउंड 105, यानी $105 मिलियन यहाँ से ट्रेड हुआ है। तो अच्छा खासा यहाँ से ट्रेड हो रहा है। देखिए, व्हीट की अगर हम बात करेंगे, जो गेहूं होता है, तो गेहूं पे गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ से हम ज़्यादा एक्सपोर्ट उसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन व्हीट फ्लोर की जो बात है, व्हीट फ्लोर यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। और आप भी अगर व्हीट फ्लोर या गेहूं या किसान हैं आप, तो गेहूं का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप किसान हैं, तो व्हीट फ्लोर आप लेके अपना ब्रांडिंग करके आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं ग्रोथ की, कि इसमें ग्रोथ कितने या ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, तो वर्ल्ड वाइड जो यहां पे ग्रोथ देखने को मिला है, लास्ट 10 इयर्स का डाटा उठा के देखा, तो वो अराउंड 22% का ग्रोथ देखने को मिला है, यानी ईयर ऑन ईयर हम यहां ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हैं, अराउंड 2.2% का ग्रोथ है। तो अच्छा ग्रोथ आपको यहां देखने को मिल रहा है। देखिए, व्हीट में ग्रोथ नहीं है, और व्हीट नहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, या बहुत कम एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन व्हीट फ्लोर में अपॉर्चुनिटी है, आप यहां पर काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं इंडिया पोजीशन बात करूं, यानी हमारे देश की पोजीशन क्या है, तो वो बताने से पहले मैं बात करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो हम आते हैं इंडिया, यानी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हम आते हैं 14th नंबर पर, यानी वी आर दी 14th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट फ्लोर, यानी व्हीट फ्लोर को हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 14th नंबर पे आ रहे हैं, यानी हम इसमें थोड़ा सा पीछे हैं। फ्रेंड्स, क्यों पीछे हैं, या तो हो सकता है हमारा थोड़ा सा प्राइसिंग ज़्यादा रखा, या फिर हमारा जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है जितना बाकी कंट्रीज़ का हो रहा है, जैसे टर्की, जर्मनी वगैरह, उन सब का जितना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या फिर हमारा कंजम्पशन भी बहुत है, तो इसमें हमारा एक्सपोर्ट में हम 14th प्लेस में है। फ्रेंड्स,
तो दैट इज अराउंड 2.3% ऑफ द वर्ल्ड शेयर, यानी हम 2.3% ही पूरे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन व्हीट फ्लोर। तो क्वांटिटी कम है, इसमें हमें आगे भी आने की जरूरत है। अगर प्राइसिंग वगैरह का हम ध्यान रखें तो जरूर हम इसमें आगे ग्रोथ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ वेराइटी की, तो वेराइटी व्हीट फ्लोर में क्या क्या आती है, देखिए नॉर्मली हम सब यही जानते हैं कि गेहूं है, गेहूं को पिसवा लिया तो आटा बन गया, तो गेहूं का आटा बन गया उसमें क्या वेराइटी रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें वेराइटी भी रहता है, तो इसमें क्या वेराइटी, जैसे गेहूं भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग वेराइटी आती है, तो ऐसे ही उनको पिसवाते हैं तो उनका वेराइटी भी, मतलब एक तो ग्राइंडिंग साइज के हिसाब से भी वेराइटी चेंज होता है और वेराइटी उस हिसाब से भी चेंज होता है गेहूं के हिसाब से भी। तो सबसे पहला वेराइटी आता है रोल्ड व्हीट फ्लोर, यानी जो व्हीट फ्लोर है ये रोल्ड व्हीट फ्लोर इसको बोला जाता है, जिसका साइज थिन होता है, स्मॉलर होता है, यानी फाइन पाउडर होता है, तो उसको रोल्ड व्हीट फ्लोर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है क्रस्ट व्हीट, तो क्रस्ट व्हीट नॉर्मल स्टैंडर्ड, जैसे आपके पास जो भी गेहूं है वो गेहूं को पिसवा लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड व्हीट फ्लोर माना जाता है फ्रेंड्स, उसको क्रस्ट व्हीट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है क्रैक्ड एंड किम्बल व्हीट, तो वो नॉर्मली जैसे आप दलिया खाते हैं तो उसमें भी क्या ये ब्रोकन कंडीशन में रहता है, यानी छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में गेहूं को तोड़ दिया जाता है, तो उसको क्रैक्ड व्हीट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है केक फ्लोर, यानी जो केक बनाने के लिए व्हीट यूज होता है, केक फ्लोर में फाइन टेक्सचर होता है, यानी बिल्कुल फाइन पाउडर उसका बना दिया जाता है, जिससे कि वो उसमें मतलब बिल्कुल भी खाने में लगे ना कि ये आटा है या फिर ये व्हीट फ्लोर है, तो ये केक बनाने में भी इसका यूज़ होता है और उसमें केक फ्लोर अलग से मतलब बनाया जाता है, यानी जब इसको चक्की में पीसा जाता है तो इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा फाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रेड फ्लोर, ब्रेड फ्लोर भी अलग से मतलब अगर आप गेहूं व्हीट अगर लेना होगा तो आपको अगर ब्रेड बनाने के लिए लेना है तो अलग से उसको या तो पिसवा भी सकते हैं या फिर मार्केट में वो रेडीमेड आपके लिए अवेलेबल भी रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फेरेना व्हीट फ्लोर, तो फेरेना व्हीट फ्लोर क्या थोड़ा सा कोर्सर रहता है, यानी मोटा रहता है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको डाइजेशन का कुछ इशू रहता है, पाचन का इशू रहता है, तो वो बोलते हैं कि भाई मोटा आटा पिसवा के लाना, अपने बच्चों को बोलते हैं मोटा आटा पिसवा के लाना, तो ये मोटा आटा जो है कोर्सर पार्टिकल्स जो हैं तो वो फेरेना व्हीट के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसका डिमांड कहां पर, कौन कौन सी कंट्री को हम टारगेट कर सकते हैं एज हमारे बायर कंट्री यानी इंपोर्टर कंट्री का, तो सबसे पहले यहां पे यूएसए आता है, यानी यूएसए के साथ में जो हमारा बाकी ट्रेड भी होता है, हिंदुस्तान से जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें लगभग 15-16% यूएसए को ही ट्रेड हो रहा है, तो आप यूएसए के साथ में अच्छे हमारे रिलेशन भी हैं, आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएसए को। तो यूएसए में लगभग पूरे वर्ल्ड का 27% व्हीट फ्लोर एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसमें दैट इज अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो अमाउंट की बात करें तो वैल्यू दैट इज अराउंड 28 मिलियन यूएस डॉलर का वहां पर ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई की अगर हम बात करें तो दैट इज 15.8% का वहां पर इंटरनेशनली ट्रेड हो रहा है, यानी वहां पर एक्सपोर्ट हुआ है, तो वो आता है 16.6 मिलियन यूएस डॉलर का। अगर आप हमारी यूएई मतलब पास की कंट्री है तो यूएई में अगर टारगेट करें तो आप यूएई को भी टारगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट गल्फ कंट्री में आता है कतर, तो कतर को भी आप टारगेट कर सकते हैं, वहां पर एक्सपोर्ट हो रहा है 9.24% का और दैट इज अराउंड 9.75 मिलियन यूएस डॉलर का फ्रेंड्स। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ पे हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, एमएस डिग्री करने के लिए जाते हैं या फिर जॉब करने के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रेड भी होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड हो रहा है अराउंड 8.13% का और बाय वैल्यू देखें तो 8.5 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हो रहा है फ्रेंड्स। अगर यूके की बात करें तो यूके में 6.98% का ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड वाइड, और अगर वैल्यू की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 7.36 मिलियन यूएस डॉलर का, तो आप यूके को भी टारगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा में भी 6.59% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है, अगर बाय वैल्यू की बात करें तो दैट इज 6.95 मिलियन यूएस डॉलर का यहां से ट्रेड हो रहा है, तो आप कनाडा को भी टारगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर गल्फ कंट्री की बात करेंगे एक इराक की, तो ईरान में भी इराक की मैं बात कर रहा हूं, इराक में भी 12.5% का एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी इंडिया से मैक्सिमम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जाता है इराक में, तो इराक में भी आप ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर अफगानिस्तान
की बात करें तो अफगानिस्तान में भी बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है, दैट इज 9.3%। तो आप अफगानिस्तान को भी ट्रेड टारगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं टॉप एक्सपोर्टर्स की बात करें, यानी इस बिजनेस में हमारे कंपिटिटर कौन है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया टर्की, जर्मनी, इस टाइप से हमारे ये कंपिटिटर है। तो सबसे पहला नंबर पर आता है टर्की, जो कि वर्ल्ड वाइड ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 23%। ये बहुत बड़ा वैल्यू है फ्रेंड्स। तो टर्की, जैसे एग्स का मैंने एक वीडियो बनाया, तो एग्स में भी टर्की में टर्की एग्स में भी आगे है और व्हीट फ्लोर में भी टर्की आगे है। तो टर्की यहाँ पर 23% का एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी यहाँ पर 9.9% का पूरे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रेंड्स। तो अच्छा क्वांटिटी, अच्छा वैल्यू है। अगर मैं काजिकिस्तान की बात करूँगा तो काजिकिस्तान भी 9.5% का यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रेंड। अगर अर्जेंटीना की बात करूँ तो अर्जेंटीना कर रहा है 4.5%, और इजिप्ट की बात करूँ तो इजिप्ट 3.8% कर रहा है। जर्मनी की बात करूँ तो वो 9.9% का एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रेंड्स। अगर ईपीसी की बात करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसमें क्या लगेगा, तो ये खाने पीने की चीज़ें हैं, तो बहुत बार आपको मालूम नहीं है खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसमें अपेड़ा लगता है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप इसको जानते हैं फ्रेंड्स। अगर गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करें तो गवर्नमेंट बेनिफिट, जैसे मैंने गेहूं में बताया, यानी व्हीट में बताया, तो व्हीट में गवर्नमेंट बेनिफिट्स नील है, लेकिन गेहूं के आटे को प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट। तो गेहूं के आटा जो है व्हीट फ्लोर में डीबी के आपको 0.15% मिल जाता है, यानी ड्यूटी ड्रॉबैक जो कि कस्टम से मिलता है आपको, कस्टम हाउस आपको यहां पर 0.15% का आपको यहां पर गवर्नमेंट बेनिफिट दे है। अगर MEIS की बात करूं तो MEIS यहां पर नील था, तो MEIS की बजाय अभी उसके प्लेस पे RODTP हो गया है, तो RODTP में अभी कितना मिलेगा तो वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, उसमें गवर्नमेंट की क्लियरिटी नहीं आई है। जैसे आ जाएगी किस किस प्रोडक्ट में कितना कितना मिलता है, तो हम उसके बारे में जैसे जैसे हमारे पास न्यूज आती रहेगी या फिर डिक्लेयर होगा, आपको भी नेट से भी पता चल जाएगा या फिर हमारे द्वारा भी पता लग जाएगा। अगर TME की बात करें तो TME भी इसमें अच्छा मिलता है, यानी ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग जो असिस्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, उसमें अगर यूरोपियन रीजन की, वो क्या रीजन के हिसाब से अलग अलग रहता है, तो अगर यूरोपियन रीजन को हम काउंट करते हैं तो उसमें अगर 20 फिट कंटेनर का आप ड्राई कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें अराउंड आपको 9,800 रुपीज़ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से एज ए सब्सिडी। और अगर आप उसमें रेफ्रिजरेटर कंटेनर करते हैं, यानी जैसे आप गेहूं का आटा अगर रेफ्रिजरेटर कंटेनर करते हैं, तो उसमें आपको 21,000 रुपये मिल जाते हैं, 21,000। अगर आप बाई एयर करना चाहते हैं, यानी आपकी क्वांटिटी कम है और आप एयर से भी करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसमें भी आपको फैसिलिटी दिया है कि बाई एयर भी आप करें तो 1,120 रुपये पर मीट्रिक टन के हिसाब से आपको यहाँ पे गवर्नमेंट बेनिफिट मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स मेंबर में इसको शेयर कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जो लोग बिजनेस में आना चाहते हैं उन लोगों को शेयर कीजिए, और हिंदुस्तान का बिजनेस बढ़ाने में, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट together. Thank you. Thank you very much, sir.